जेल में रणबीर आलिया के विरोध में बजरंग दल का प्रदर्शन, बीफ वाले बयान को लेकर हो रहा है विरोध। काले झंडे के साथ रणबीर आलिया का विरोध, पुलिस के साथ बजरंग दल कार्यकर्ताओं की झड़प। फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले महाकाल के दर्शन के लिए आए थे रणबीर और आलिया, विरोध की वजह से बिना दर्शन किए लौट गए। निर्देशक अयान मुखर्जी के अकेले ही महाकाल की पूजा की, फिल्म की सफलता के लिए की प्रार्थना। बेंगलुरु में भारी बारिश की मार, कई इलाके पानी में डूबे। बेंगलुरु में भीषण बारिश से जलमग्न हुआ शहर, ट्रैक्टर की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। कर्नाटक में घंटों हुई भारी बारिश, बरसात के पानी में डूबा सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। बेंगलुरु के हालात पर सीएम बोम्बई का बड़ा बयान, बारिश रुकने पर 15,000 करोड़ के वाटर ड्रेन का टेंडर जारी होगा। कर्नाटक के तुमकुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई एकड़ फसल बर्बाद। कर्नाटक के हुबली में लगातार हो रही बारिश, भारी बारिश से बिगड़े हालात। हैदराबाद में जमकर हुई बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी दिक्कतें। तमिलनाडु के सेलम में घरों में घुसा बाढ़ का पानी, जलस्तर बढ़ने से बुजुर्ग महिला की मौत। बिहार के मुंगेर में बाढ़ के पानी के साथ बहकर आया मगरमच्छ, कई मवेशियों को बनाया शिकार। यूपी गोंडा में नदी किनारे बने कई मकान कटान की चपेट में, प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा। प्रयागराज में बारिश से गिरा जर्जर मकान, चार लोगों की गई जान। प्रयागराज में हुए हादसे में कई घायल, चार की हालत गंभीर। टोंक में धार नदी के सैलाब की चपेट में एक शख्स, सुरेली गांव के पास हुआ हादसा। मनाली ले मार्ग पर तांगलांगला दर्रे में सीजन की पहली बर्फबारी, पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने की मस्ती, खूबसूरत नजारों को कैमरे में किया कैद। पटना सिटी में दो गुटों की लड़ाई, पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट और फायरिंग। फायरिंग में दोनों गुट के एक एक शख्स की मौत, इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। सिवान में गश्त दल पर अपराधियों ने चलाई गोली, एक सिपाही की मौत। छपरा में शिक्षक दिवस के दिन देसी कट्टे से काटा गया केक, वीडियो हुआ वायरल। लखीमपुर हिंसा के से आरोपी अंकित दास 15 दिन की पैरोल पर छूटे, इलाज के लिए मिली छुट्टी। दिल्ली में घरेलू झगड़े में एक शख्स ने पत्नी और बच्चों को मारा चाकू, खुद को भी किया जख्मी। इलाज के दौरान पति पत्नी की मौत, 13 साल के बच्चे का चल रहा इलाज। यूपी के अलीगढ़ में प्रशासन की लापरवाही, सील दुकानों पर लगाए गए किराए पर देने का बोर्ड। सीकर में दलित लड़की की मौत मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगे केस वापस लेने की मांग, कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली। गुरुग्राम में 25 गांव के लोगों ने बुलाई महापंचायत, जमीन अधिग्रहण का हुआ विरोध। यूपी के कुशीनगर में 20 दलित परिवारों ने लगाया घर छोड़ने का पोस्टर, ग्राम प्रधान पर प्रताड़क करने का आरोप। लखनऊ के लिवाना होटल अग्निकांड के बाद प्रशासन सख्त, कोचिंग सेंटर में लगी आग के बाद बिल्डिंग सील। नोएडा में डीमैट अकाउंट से करेंसी ट्रेडिंग के नाम पर लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 लोगों ने की ठगी। यूपी के बांदा में लोडर ने बाइक को मारी टक्कर, पीआरडी जवान समेत 2 की मौत। बरेली में कचरे के ढेर में मिला नवजात का शव, जांच भेजी पुलिस। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, 2 बदमाश घायल। नोएडा में मामली कहा सुनी में सरिये से किया गया वार, महिला घायल। सड़क की मांग, सीकर में पूर्व पैरामिलिट्री सैनिक ने दिया धरना, पूर्व सैनिकों के लिए बोर्ड के गठन की मांग। अयोध्या में धार्मिक स्थलों को अब देना होगा केवल प्रतीकात्मक टैक्स, नगर निगम ने जारी किया नोटिफिकेशन। आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, शुरुआत से पहले राजीव गांधी स्मारक पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने राजीव गांधी पर स्मारक पर दी श्रद्धांजलि, प्रार्थना सभा का किया आयोजन। सभा के हमारे गए लोगों के परिवार वालों को राजीव गांधी स्मारक पर बुलाया गया, राहुल गांधी ने की मुलाकात। स्मारक स्थल पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद, तमिलनाडु के बड़े कांग्रेसी नेता भी हुए शामिल। यहां से कन्याकुमारी जाएंगे राहुल गांधी, दोपहर 3 बजे से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। भारत जोड़ो यात्रा के 3500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर, 5 महीने की होगी यात्रा। तय कार्यक्रम के मुताबिक 12 राज्यों से गुजरेगी यात्रा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री राहुल को सौंपेंगे खादी का तिरंगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी, यात्रा की थीम है मिले कदम जुड़े वतन। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता राहुल गांधी के साथ चलने कन्याकुमारी पहुंचे, हर दिन 2 चरणों में होगी यात्रा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कांग्रेस के समय भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान ने भारत जोड़ो यात्रा करें राहुल गांधी। मिशन 2024 पर जुटे अरविंद केजरीवाल, आज हिसार में लॉन्च करेंगे मेक इन इंडिया नंबर 1 कैंपेन। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी, पिछले चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले 144 संसदीय क्षेत्रों पर नजर। प्रभारी मंत्रियों के जेपी नड्डा और अमित शाह को सौंपी रिपोर्ट, रिपोर्ट के आधार पर बनेगी आगे की रणनीति।
उद्धव ठाकरे का अमित शाह पर हमला, कहा मुंबई में हमने मंगल मूर्ति और अमंगल मूर्ति दोनों को देखा। समस्तीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का विरोध, को बैक के लगे नारे। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, सिसोदिया को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, आबकारी नीति में घोटाले में आरोपों पर हुआ हल्ला बोल। आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों पर बढ़ी केजरीवाल सरकार की मुश्किल, दिल्ली समेत कई राज्यों में ईडी की छापेमारी। शराब नीति में घोटाले को लेकर 6 शहरों में ईडी की छापेमारी, दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु में छापेमारी। शराब घोटाले में ईडी ने कुल 30 ठिकानों पर मारा छापा, ईडी की छापेमारी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर शामिल नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों के 2 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, बीएसएफ के जवानों पर की फायरिंग। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख का इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार। यूपी के महाराजगंज में बिजली विभाग के अधिकारियों पर भड़के विधायक, सरकार की छवि खराब करने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे पर बनिहाल के पास लैंडस्लाइड, रास्ता बंद। बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह के फरार होने के बाद से डरे हुए हैं बिल्डर राजू सिंह के परिवार वाले। नागपुर पहुंचे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा बीएमसी में फहराएंगे भगवा। बहुबल कलां गोलीकांड में सुखबीर बादल से पूछताछ, एसआईटी ने पूर्व डिप्टी सीएम से किया सवाल जवाब। 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड एडी समिट में पहुंचेंगे पीएम मोदी, प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा। सचिन पायलट का जन्मदिन मनाने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे जयपुर, कार्यकर्ताओं ने से पायलट ने की मुलाकात। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर को सुनवाई करेगा, दोषियों की रिहाई के खिलाफ लगाई गई है याचिका। बिल्किस बानो के समर्थन में टीएमसी नेताओं का धरना, कोलकाता में गांधी प्रतिमा के पास दिया धरना। सोनाली फोगाट मौत मामले की